तो जहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उस गांव में खुद तो बड़ा समस्या है। तो अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? बस हेमंत सरकार ही रहे। बोलो अखन बोलो ठीक है लिए अगला तखन ठीक है और हम नहीं देख रहे तखन भीख मांग लेना देखो। अगली बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? इन्हीं को देखना चाहेंगे। हम लोग पेपर जमा करते हैं, सिर्फ पेपर ही जमा रह जाता है, काम नहीं होता है। अगले बार किसको मुख्यमंत्री बनाइए? हेमंत सोरेन। ए दादी कैसन काम करे हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री? काम करो, जकरा देखो तकरा देखो, जकरा नहीं देखो गरीब हो तो गरीबे हो, बड़का हो तो बड़के हो। अगली बार किनको बनाएंगे मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन के ही बनाएंगे। ये मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आदिवासी के लिए ज्यादा करते हैं। हेमंत सोरेन एक अच्छा व्यक्ति है सर। हाँ, वोट के लिए कुछ भी करता है ये लोग। हेमंत सोरेन जी को हम लोग देखना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक समुचित लाभ मिले, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसको लेकर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपके घर तक पहुंचकर आपकी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करने की कोशिश में जुटे हैं। मीटिंग लाए से लाए ली। किसका मीटिंग है? सुंदर सर ने किना कहा थी किना नाम लाए जे किसका किसका केदर ने किना नाम लाए किना नाम लाए जे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हाँ हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कौन है? कौन हेमंत सोरेन ने नहीं जाने। बेटा आपका यहाँ पर बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी है, कोशिश करते हैं कुछ लोगों से जानते हैं। आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है किनका कार्यक्रम है? ये है हेमंत सोरेन का कार्यक्रम है। जो आपकी सरकार, आपकी योजना, जो कि बहुत सारे गांव के लोग हैं सो ब्लॉक लोग कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, इसी योजना के इसलिए यहां पे कैंप लगाया गया कि सारा काम यहां से हो जाए। लेकिन इसमें एक शर्त है किया कि साहब हम लोग पेपर जमा करते हैं, सिर्फ पेपर ही जमा रह जाता है, काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री साहब कैसा काम कर रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री साहब अपने जगह पर सही सा काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से करने के बाद सीधे हम लोग को फिर ब्लॉक बुलाया जाता है, बोलते हैं ब्लॉक आइए वहाँ फिर मिलिए, तो क्या फायदा होगा साहब? अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है ना। क्या नाम है आपका? आनंद प्रकाश। आप? मेरा लव कुमार महतो नाम है। क्या कहेंगे आप मुख्यमंत्री जी के द्वारा? आप लोगों को 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, लोगों को नौकरी देने के लिए यहाँ पर स्टॉल लगाया गया, आप लोग को लाभ मिल पाता है? नहीं सर, नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है सर। हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है। अच्छा। बहुत दौड़ना पड़ता है। बोला था कि 5 लाख नौकरी देंगे और 5 लाख नौकरी देने के भी बात किया था और आधे कैसे घर घर में आधे कैसे। आम जनता है कि किसी पार्टी के आदमी नहीं ना? नहीं, 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 आम जनता है सर। हाँ तो बिल्कुल। और योजनाओं का लाभ देने की बात को लेकर मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन कुछ लोगों की त्रुटियाँ भी है। यहाँ पर एक भाई साहब और हैं। कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय? काम तो लगभग ठीक ही है, लेकिन कुछ कमी है। जैसे वो भाई साहब बताएं कि कागज जो आवास का हो या कुछ भी मामला हो वो सिर्फ कागज़ में ही दबकर रह जाता है, धरातल पर उतना नहीं आ पाता है। अभी जैसे मान कर चलिए हम इसी गांव से बिलोंग करते हैं, अभी यहां पर करोड़ों का खर्चा हुआ है, लेकिन मेरे गांव में खुद दो कमी है। मेरे गांव में रोड का मामला सही। कौन सा गांव है? यही गांव जहां पर अभी प्रोग्राम हो रहा है। पूरा स्पष्ट बताइए ना। हाँ, मेरे गांव में खुद रोड का जो मामला है वो सही हालात नहीं है। इधर जो है ये जो रोड जो किया हुआ है वो रजरप्पा मंदिर का हम लोग का एक ये रास्ता है, तो बहुत सारा गड्ढा वगैरह है, रोड का मामला सही नहीं है। दूसरी बात कि मेरे गाँव में खुद पानी का भी समस्या है, तो जहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उस गाँव में खुद तो बड़ा समस्या है। बाकी काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। अगली बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? इन्हीं को देखना चाहेंगे, चूँकि कुछ तो है, क्वालिटी है। आप सोचिएगा कि एक ही साल में सबको खुश कर देंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। 4 साल हो गया। हाँ 4 साल हो गया, फिर आएंगे तो फिर सोचेंगे। हम तो इन्हीं देखना चाहेंगे, फिर हम यही उम्मीद से सोचेंगे कि कुछ और लोगों का कुछ कमी दूर हो। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सरफुद्दीन है। मोहम्मद सरफुद्दीन भाई यहाँ पर और भी हैं। चाचा मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं? देखिए ये मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आदिवासी के लिए ज़्यादा करते हैं, जो कनाडी के लिए बोलते हैं। नहीं, ये तो हर हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। देखिए हम लोग झारखंड जो क्षेत्र है, हम लोग कुर्मी का ज़्यादा यहाँ जनसंख्या है, बाद में आदिवासी कुछ कुछ है, मुसलमान भी कुछ कुछ है। देखिए तो इसीलिए बोलते हैं कि देखिए ये सब आम बात की सोच ही लोग के बात है। ये लोग वोट के लिए कुछ भी करता है ये लोग। देखिए एक अभी 1 करोड़ का यहाँ लगाया, कोई 2.5 करोड़ का, अगर कोई किसी गरीब को देता तो क्या होता? क्या गलत बोलते, बोलिए। आपका प्रश्न नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है। यहाँ पर युवा भाई भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हो रहा है, किस रूप में देखते हैं इसको?
हम लोग तो बहुत खुश है और यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, हेमंत सर का लेक्चर देखने के लिए, मतलब बात सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं। और बस आपको हेमंत सोरेन जी कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? बस हेमंत सरकार ही रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री? अब प्रधानमंत्री हम लोग तो नहीं कह सकते कि अगला कौन। किसको पसंद करते हैं? मोदी जी को पसंद करते हैं? हाँ हाँ, हमारे हिसाब से राहुल गांधी सही है। अच्छा, क्योंकि देखिए उतना लाभ हमें नहीं मिल पाता है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे है, एजुकेटेड है, इसलिए हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग चाहते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री किसको देखेंगे इस बार फिर? हेमंत सोरेन को देखना चाहिए। वोट दीजिएगा? जी बिल्कुल, मोहम्मद सराफतन सर। समरेश मुंडा, आदिवासी सरकार। अगले बार किसको मुख्यमंत्री बनाइए? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोल दीजिए। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आप हेमंत सोरेन जी को देखना चाहते हैं? और हम लोगों को हेमंत सरकार के तरफ से बहुत सा चीज़ मिला है और हम लोगों को पढ़ाई वढ़ाई मतलब हर चीज़ में हम लोगों को सुविधा मिलता है, इसीलिए हेमंत सोरेन जी को हम लोग देखना चाहते हैं। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जो सभा में पहुंचे हैं लोग, जो उनको देखने के लिए पहुंचे हैं, उनके मुंह से अगली बार, जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार घोषणा कर रहे हैं कि उनका 5 साल का कार्यकाल भी मजबूती से पूरा होगा, वहीं अगली बार की भी उन्होंने 100% की गारंटी दे डाली है कि अगली बार भी यहाँ पर हेमंत की सरकार होगी, हेमंत सोरेन की सरकार होगी, तो लोग भी मोहर लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारी बहनें जा रही हैं, मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में आएंगी, कुछ कहेंगी आप? नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना चाहते, कुछ सुनने जा रहे हैं, हेमंत सोरेन आए हैं। कैसे लगते हैं आपको ये? अच्छा लग रहा है। अच्छा। जी। अगली बार किनको बनाएंगे मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन के ही बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत मदद कर रहे हैं हम लोग का, मतलब आधार कार्ड जो भी बन रहा है उसी के अनुसार मतलब फास्ट काम हो रहा है अभी। उनके कार्यकाल में प्रशासन अच्छा काम कर रहा है। हाँ ठीक है, दिक्कत नहीं होती? नहीं नहीं, कोई दिक्कत। खुशबू देवी दादी कैसन काम कर रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री? काम करो, जकरा देखो तकरा देखो, जकरा नहीं देखो गरीब हो तो गरीबे हो, बड़का हो तो बड़के हो, एटा करो हो, सब नेता के पेट भरो हो, नेता मंत्री खा हो, और कि हमनी गरीब आज हम 40 साल हमारे पति के मरल भेल है, हमरा एगो शौचालय नहीं दिले हथी। अच्छा, तो कौन चीज मंत्री आज सुने लाइल है तनी? मैंने का चाहते हैं, मैंने अगला बार इन्हीं को वोट दीजिएगा? एक तो वोट देवे करे हर बार। अच्छा, एकरे दे भाई। तो एकरे वोट दे ही ककर का है? अच्छा, एकर में का है? एकर में अभी ठीके बोलो बोलो अखन बोलो ठीक है लिए अगला तखन ठीक है, और हमनी देख तखन भीखो मांग लेना देहो। अच्छा, तब का भीखो मांग लेना देहो? हम अखन ठेंगा ठोके है से हम खाना हमरा दाना कोई दिए वाला ना खाई। प्रधानमंत्री में केकरा वोट देवा? प्रधानमंत्री में अभी तो दलहली सुनीता के। प्रधानमंत्री मैंने मोदी जी? मोदी जी हाँ हाँ, ओकरो वोट, हाँ ओकरो वोट दिल रही है, हाँ मोदी जी के। अगला बार मुख्यमंत्री इनके बने वाला? हाँ हाँ, ये जैसन काम करते तैसन हमने करबे। हेमंत सोरेन एक अच्छा व्यक्ति है सर। हाँ, क्या करते हैं वो? और जो भी करते हैं यहाँ पर, जैसे एक तरफ से देखे कि तबरेज को जो हत्याकांड हुआ, और एक ये क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, एक और भी हुआ, लेकिन जब से इसका सरकार आया तब से ऐसा कोई कांड नहीं हुआ। हम लोग एक, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद हुआ, हम लोग शांतिपूर्वक हम लोग रहने के लिए चाहते हैं, हम लोग में वही चीज़ में हम लोग में खुशी है, और विकास के मामले में माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगली बार हम हर हाल में जीतेंगे, उनको जिताइएगा? वो तो देखा जाएगा। अगला हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अगली बार हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता मेरे साथ है। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसा लग रहा बेटा? हमको बहुत खुशी लग रहा है कि हमको ट्राईसाइकिल मिला है। वो भी इलेक्ट्रिक वाला? यस। मेहनत नहीं करना होगा? नहीं। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री से हम बहुत खुश है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानदार और शानदार सवारी अतुल ऑटो के संचालक यहाँ पर मौजूद है, और लाबुक को अतुल ऑटो की चाबी थमाते हुए आप देख सकते हैं इस वीडियो में। यहाँ पर लाबुक हमारे साथ मौजूद है। अतुल का आज आपको गाड़ी मिला, मुख्यमंत्री जी आए थे, कैसा लगा? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहा टोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, A Blaze School is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar, in Ramgarh, near Miloni Club, Bijolia, Ramgarh, Kant.